बिजनेस ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन टी आर एस पर करते हैं क्योंकि ऑनेस्टली आप सारे लोग इतने सारे ऑन्टरप्रेनरशिप के कॉन्वर्सेशन नहीं देखते पर आज के गेस्ट है इंडियन ऑन्टरप्रिनरशिप स्पेस के लेजेंड जोमैटो फाउंडर दीपेंदर गोयल बहुत रिलैक्स तरीके से हमने ऑन्टप्रेनरशिप की बिजनेस की साइकोलॉजिकल साइड के बारे में बातें करी है फेलियर के बारे में स्ट्रगलिंग फेज़ के बारे में बातें करी है अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़े बिजनेसेस खोलने बहुत कुछ करना है एक बिजनेस ओरिएंटेड परस्पेक्टिव से एक स्टार्टअप ओरिएंटेड परसपेक्टिव से तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट एंड तक देखिए मैं चाहता हूँ कि पूरी स्टार्टअप कम्युनिटी ये वाला पॉडकास्ट देखेगी पर मैं ये चाहता हूँ कि भारत के इंटीरियर्स में बैठे हुए स्टूडेंट्स भी इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखें बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन है दीपेंदर गोयल के साथ जोमैटो के बारे में सीखिए दीपेंदर भाई के माइंड के बारे में सीखिए और भारत के फ्यूचर के बारे में सीखिए डी के इस एपिसोड पर गोयल का स्वागत है TRS में कैसे हो आप आप सर well. आ, nice. सर ऑल वेल वेरी नाइस आपको बुलाऊं बुलाऊं ब्रो ब्रो बुला ब्रो जो मर्जी है है तेरी बुला ले ओके okay, ओके आपकी काफी ज्यादा वाली एनर्जी है. ब्रो एनर्जी बट दैट्स आई डोंट वर्क फॉर यू एक अजीब सवाल पूछना है. हाँ. Uh, क्या आप खुद वो आपका होने चाहिए नहीं यार अपने आप बन गया कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं था हम हमारे पास कि ऐसा कुछ बनाएंगे ओके okay. और ये ऑर्गेनिकली बन गया हमने कुछ कुछ ट्राई किया चल गया ओके okay. कुछ और किया वो भी चल गया फिर लोग कहते तुम्हारा ब्रांड ऐसा है तुम वो चीज़ करते रहे कभी कुछ ऐसे फेजेस आए थे जहाँ आपको लगा था कि यार यू वॉन्ट टू गिव अप और जहाँ आपको बहुत लो फील हो रहा था काफ़ी फेजेज आते हैं ओके okay. सबसे लो कब फील हो Uh, बहुत बार यार मतलब क्विट करने का मन तो हर दो तीन हफ्ते में करता है <laughs> <laughs> अभी भी अभी भी करता है ओके uh. okay. तो मैं ना रिसर्च uh, करता हूँ हर पॉडकास्ट से पहले मैंने बिजनेस कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोगों से पूछा कि आपसे क्या पूछूं तो बहुत लोगों ने कहा कि इन द बिजनेस कम्युनिटी दर इज डिफरेंट चैटर देन व्हाट द पब्लिक नोज द इज रिस्पेक्ट अ लॉर्ड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू डन पर लोग कहते हैं कि पीपल डोंट नो दैट जोमैटो हैड ऑलमोस्ट गॉन गॉन ब्रोक मल्टीपल टाइम्स एंड एवरी टाइम आउट हीज ग्रॉड मनी बैक और मेड इट अनब्रोक मैं एक्चुअली उन फेजेज के बारे में जानना चाहूंगा बहुत एज अन बींग क्या हो रहा था कंपनी में क्या हुआ और फिर एज अन बींग आपने सोल्व क्या किया और कंपनी में सोल्व क्या किया लेट से हमारे पास चार महीने के पैसे बचे हैं जी ठीक है और हमारा राउंड ऑफ करते हैं दस मिलियन डॉलर पड़े हैं चार महीने के पैसे बर्न रेट काफ़ी होता था, था हमारा उस टाइम पे ठीक है तो हम देखेंगे कि यार नेक्स्ट मंथ जब ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट मंथ भी मेरे पास चार महीने के पैसे बचे होने चाहिए करेक्ट तो फिर हम बर्न रेट को उतना कम करते थे अब नेक्स्ट मंथ ये वाले ये वाले महीने में हो गए ढाई मिलियन खर्च साढ़े सात बचे तो नेक्स्ट मंथ का बर्न रेट लेस देन टू होना चाहिए था ठीक है ऐसे ऐसे करके वी ऑलवेज़ यूज़ टू कीप चार महीने का पैसा इन द बैंक तो बस अगर चार महीने के पैसे पड़े रहेंगे तुम्हारे पास हमेशा तो इनफाइनेट लाइफ स्पैन आ गया एक तरह से एक डे इन योर लाइफ क्या है वर्क डे इन लाइफ अब वेक अप इन द मॉर्निंग गो टू द जिम हाँ गेट टू द ऑफिस बैक टू बैक मीटिंग्स फॉर एट नाइन आवर्स एट नाइन आवर्स के बारे में थोड़ा बताइए क्या क्या कर दो मतलब हाउ yeah. like, so डू हैंडल सच बिग कंपनी आई डोंट लाइक द टीम इज सो ब्लडी गुड टीम को कैसे हैंडल कर दो मेरा काम तो पुटिंग द राइट पीपल ओके तो अगर टीम अच्छी है एंड पीपल right तो हो गया काम हर स्टेज पर जैसे जैसे कंपनी अपग्रेड होती है यू टू डू सेट ऑफ टॉप लेवल हाई और डू द सेम गाइज गेट प्रमोटेड मिक्स इट्स बेटर टू ग्रो फ्रॉम विद इन मतलब जो पुराने लोग थे hmm. उनके साथ ही कंटिन्यू क्यों ज देखो अगर तुम किसी नए एक्सटर्नल हायर को लाओ और ये ना जोमेटो इज़ स्लाइटली लाइक फिफ्टीन ईयरस ओल्ड तो वी हैव इनफ पीपल जो कि पाँच पाँच छः छः साल पुराने हैं ठीक है तो कॉन्टेक्ट चेंज हो जाता है तो अगर हम दो साल पुरानी कंपनी होते तो बाहर से लोग लाने ही पड़ते हैं कोई चॉइस नहीं होती आपके पास लेकिन अब अगर मुझे कोई बाहर से लाना हो तो मतलब हमारे पास लेट्स से वी हायर समवन जी इधर हैव टू बी रियली रियली श्योर कि यार ये बंदा बहुत सॉलिड है ठीक hmm. है hmm. और यूनिक स्पॉट है यूनिक स्केल है चलेगा ये बट अगर मेरे पास कोई लाइक लेट से हेड ऑफ मार्केटिंग टाइप पोजिशन है तो बाहर से करते हैं हायर, करेक्ट छ महीने तो लगेंगे किसी को लाने में hmm. पहले आप तीन महीने इंटरव्यू करोगे तीन महीने फिर वो उसका नोटिस पीरियड सब होगा फिर छह महीने में आएगा फिर तीन महीने में इंडक्शन होगी फिर उसके बाद एक साल में पता आपको इतना चलेगा कि ये आदमी चल रहा है या नहीं चल रहा है टू इयर्स लास्ट करेक्ट इससे अच्छा मैं कोई अंदर से लेके उसके साथ तीन महीने खुद स्पेंड करके उसको ग्रो करके उस रोल में डाल दूजियर ही नोज द बिजनेस योरशी सो दैट वर्क्स ओके पर अगर आपने किसी हाई लेवल के इंसान को हायर किया ऐसे टॉप लेवल के पर्सन को उस लेवल पे भी फकअप्स होते हैं बिल्कुल फिर कैसे डील करते हो सेम मेंटालिटी अस डीलिंग विद फकअप्स फ्रॉम 2008 या ओके अह मुश्किल जो नहीं रही है फन जो नहीं रही है <laughs> मुश्किल इज फन या पेन इज प्लेजर यस बीडीएसएम ऑफ बिजनेस बिजनेस बीडीएसएम जिम like okay. uh, ओके बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ फॉर मल्टीपल थिंग्स बट आई थिंक दोस्ट इज प्रोडक्ट स्किल्स नितिन कामत आए थे शो पर uh -huh. दो तीन साल पहले uh -huh. और उन्होंने तब कहा कि शायद द मोस्ट वैल्यूड थिंग इन दिस्टम इज द प्रोडक्ट पीपल क्योंकि प्रोडक्ट पीपल एक क्रिएटिविटी की डोमेन में सोचते हैं uh -huh.

आई नो आपने एक बुक लिखी है जोमैटो के कल्चर के बारे में बहुत सारे लिसनर्स वो बुक कभी नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल तो बताइए उस बुक को क्रंच डाउन कीजिए ये वाले जवाब में आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आपने जो कल्चर के ऊपर बुक लिखी है उसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दीजिए यार इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल तो वी डोंट हैव ए प्रोसेस लेड लेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है और राइट पीपल कल्चर अगर सही है तो फिर द ऑर्गेनाइजेशन वर्क अदरवाइज इट वर्क कल्चर सही है मतलब क्या कल्चर इज़ हाओ पीपल बिहेव ओके रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड टू प्रेशर करेक्ट हाउ द थिंक अबाउट देयर ओन ग्रोथ हाउ डू दे थिंक अबाउट क्वालिटी ऑफ वर्क ये सब इज कल्चर करेक्ट एंड द कल्चर बुक इज मोर अबाउट इम्प्लॉयज़ के लिए हैंड बुक थी एक तो आई रोट दिस कि यार कोई इंडक्शन में नया इंसान आता है तो उसको दे दो कि यार पढ़ ले चार बार पढ़ ले छः बार पढ़ ले और अगर वो कंपनी में काम करता है तो वो पढ़ लेगा होपफुली बिकॉज वी आर पेइंग दैट पर्सन टू रीड दिस बुक करेक्ट अब ग्रोथ के एक रोड मैप दे रहे हो सेल्फ ग्रोथ का ओके करेक्ट इन ए वे तो हाउ टू थिंक हाउ टू बिहेव करेक्ट एंड उसका रोड मैप है और देन चिकी सॉ दिस ऑन माई डेस्क एंड से यार पब्लिश करते हैं इसको ये तो बहुत अच्छा सामान है मैंने कहा कर लोसम okay. awesome. जितना ज़्यादा स्केल किया आप लोगों ने इज दिस द कोर रीजन बिहाइंड बिएंडो का कल्चर दिस इज आई थिंक दिस बुक इज अबाउट 80% परसेंट ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स आई बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर ए डेकेड बाय द वे द बुक ओके तो फाइनली आई वॉज एबल टू आइसोलेट कि अच्छा ये तो कुछ चीज़ें हैं ही हैं कुछ और भी होंगी वो वर्जन टू में आ जाएंगी ओके okay. यहाँ वो आपका सीक्रेट सॉस है नहीं कुछ सीक्रेट सॉस सीक्रेट सॉस कैसे हो सकता है दस हज़ार लोग हैं कम, एक कंपनी में ओके ओके फेयर पर स्केल मिला है कल्चर की वजह से अकॉर्डिंग टू यू या अलग-अलग फैक्टर्स -अलग होते हैं आई थिंक ट्राइक सिर्फ कल्चर फाइनली कल्चर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट एटलीस्ट। नो आई थिंक फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ओके डू यू वांट टू इलैबोरेट लिटिल बिट मोर ऑन कल्चर स्पेसिफिकली क्या सेल्फ ग्रोथ मतलब क्या एक इंसान के लिए zomato में मतलब यार आई बिलीव कि माइंडसेट इज एवरीथिंग करेक्ट एंड डजेंट मैटर एक की आपका एक्सपीरियंस पाँच साल है दस साल है पंद्रह साल है फ़र्क नहीं पड़ता है प्रॉब्लम यूनिक कोई भी आपके सामने आ रही है तो अगर आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज भी हो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एज वेल एज समी जो कि बीस साल से सेम चीज़ कर रहा है प्रॉबली बेटर दैन जो बीस साल से कर रहा है बिकॉज बैग एज नहीं है आपके पास लाइक करैक्ट सो इट्स अबाउट कि अनलर्निंग कैसे करते रहो अपने दिमाग की सारी और लाइक हाउ डू यू ब्रिंग फ्रेशनेस एंड डिटर्मिनेशन टू वॉट एव यू आर ट्राइंग टू सॉल्व तो दैट्स अबाउट आप hmm. कहाँ से हायर करते हो यूजली इन इंडिया आप मेट्रो से हायर करते हो या ऐसा कुछ कुछ नो रूल्स रैंडमली हायर करते no हो नो रूल्स और एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है भारत का थोड़ा बहुत क्या सीखा भारत के बारे में प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्पेशली वेन इट कम्स टू वर्क फोर्स इट कम्स टू वर्क फोर्स फोर्स इज इज वेरी डिफरेंट सो वी

But uh, but they have less patience patience than what we used to have at that age. Okay. And patience is a virtue बट बट लेस पेशेंस वर्क बताए जो लोग आप जितने एम्बिशियस होते हैं मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ जो शायद एक रूड सवाल है mm -hmm. बट मैं रूडली नहीं पूछ रहा हूँ सो सॉरी पर मैं फिर भी पूछूंगा सवाल ये है कि वॉट आर यू रनिंग अवे फ्रॉमिंग अवे फ्रॉम स्लेवरी

से रिलेटेड सवाल पूछने चाहिए पूछा बताओगे ओ एन डी सी बेसिकली इन अ वे गवर्नमेंट का जोमैटो है लाइक दैट्स द इजिएस्ट वे टू एक्सप्लेन इट तो अभी अब तक आप स्विगी के साथ स्मैकडाउन वर्सेस रॉ कर रहे थे अभी ई सी डब्ल्यू आ गया <laughs> तो अब डब्ल्यू डब्ल्यू देखते हो गया बचपन में यू गॉट द रेफरेंस फॉर एनी ये ई सी डब्ल्यू आ गया तो टेंशन है नहीं कैसे डील करोगे ओ एन डी सी है क्या इज इट इवन अ प्रॉब्लम फॉर यू एक्चुअली

देखिए यार जब जब वो प्रॉब्लम रियल बनेगी तब हफ्ते भर का टाइमलाइन लेके एम्बिशियस गोल लेके गन टू योर हेड यू सॉल्व इट यही मेंटालिटी है कि अगर असली प्रॉब्लम बन गई तो देन सॉल्व इट ओके स्विगी असली प्रॉब्लम बनी थी एट सम पॉइंट हैज फॉरएवर बीन इन बीन एन असली लाइक प्रॉब्लम फॉर अस बट ये वो डब्ल्यूडब्ल्यू वर्सेस डब्ल्यूसीडब्ल्यू और आई एम विन स्मिक्मन आई मीन स्विगी गेट वंस रेज्ड ए बिलियन डॉलर्स वी हैड ऑलमोस्ट नथिंग इन आवर बैंक एट दैट टाइम बट hmm. mm -hmm. वहाँ से आप आगे कैसे गए हमने अपना यू का बिजनेस बेचा 170 मिलियन डॉलर वहाँ से आ गए फिर धीरे 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 फाइट मारते रहे मेहनत करते रहे एंड अगेन सेम वाली अप्रोच इतने ही पैसे हैं यहाँ तक पहुँचना है इतना टाइम है गन टू योर हेड सॉल्व इट ओके तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू हैव दैट बेस लेवल ब्लू प्रिंट ये प्रोटोकॉल होना चाहिए गन टू आई थिंक माइंड सेट कि यार करना तो है अब यही ये सॉल्व करने को कुछ और तो है नहीं इधर यू कैन स्टार्ट ब्लेमिंग कि अच्छा अगर मेरे पास ये होगा मैं तो ही सॉल्व कर पाऊंगा बट नहीं है नहीं है पैसे क्या करोगे राइट right? कुछ कर सकते हो पैसे आप लाओगे नहीं लाओगे तो फिर सॉल्व कर लो नहीं सॉल्व करना अगर आपने तो आप बाहर जाओ कोई और सॉल्व कर लेगा हम्म ओके स्विगी के फाउंडर से मिलो कभी बहुत बार ओके okay. क्या बात होती है दोस्ती क्रिकेट मैच हाँ? खेल रहे हो शाहीन कोहली हम फ्यूचर हम मतलब फ्यूचर के बारे करंट बिजनेस इट्स नॉट लीगल टू टॉक लीगल की अच्छा यार मेरे को उसकी स्ट्रैटेजी पता चल जाए तो कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन फेयर रहना चाहिए बिल्कुल तो so, कॉम्पिटिशन को नहीं छेड़ते हम फ्यूचर I mean, की गप्पे मारते हैं डेट की पांच मिनट में ड्रोन्स कैसे चलेंगे ओके <laughs> बट okay. mm -hmm. आप एक दूसरे से मोटिवेशन ले हम मतलब उसका पता नहीं बट मैं इंस्पिरेशन तो जरूर लेता उससे ओके okay. mm -hmm. um, आप खुद कभी भी स्विगी यूज करते हो नेवर कर दो नेवे ट्रिक सवाल था anyway. मतलब मैंने एक्सपेरिमेंटल यूज बहुत बार किया है बट रियल रियल यूज नहीं किया कंपेयर okay. मतलब, hmm. hmm. okay. um, करने के लिए जोमैटो से भी सेम ऑर्डर स्विगी से भी सेम ऑर्डर वैसे बहुत बार किया खुल के एक चीज का कहूंगा आई यूजर फूड बट आई यूज स्विगी टू ऑर्डर ग्रोसरीज माई यूज केस मुझे ग्रोसरीज ऑर्डर करनी है मैं ऑटोमैटिक स्विगी खोलूंगा मैं स्विगी इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि पहले से स्विगी इंस्टॉल थी मेरे फोन पे दैट वाज माय मेंटालिटी एज़ अ यूजर आपको कॉन्सेंट यूजर मेंटालिटी स्टडी करनी होती है आई एम श्योर जब आप खुद जोमैटो की ऐप खोल दो तो, आप क्या सोचते हो एज द फाउंडर तो मैं ना एज ए प्रोडक्ट लाइक पर्सन इमोशंस वॉच करता हूँ अपने एक तरह से तो अगर मैं सीमलेसली कामली अपना काम कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है विदाउट हैिटेट करती है मुझे ऐप तो मैं इरीटेट होता हूँ तो नो कि यार ये ठीक नहीं है कॉल क्या मैं क्या डाल बनाया। एक बनाया। उस पर डाल देते हैं कैसे, कैसे बस सही दिस आई थिंक चिल्लाते किसी पे रेयरली नहीं रेयरली रेयरली तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कब आई थिंक जब किसी को फीडबैक दे रहे हो और उसका दिमाग चलना बंद नहीं होता जब जब सुनते नहीं है लोग तब आई थिंक आई हैव टू रेज वॉल्यूम सो दैट आई कैन गेट माई मैसेज अक्रॉस हैज दैट अ गुड वर्क्स वर्क टाइम्स थोड़ा सा भी सवाल है. Okay. आप अंकित भैनपुरिया को जानते हो इंस्टाग्राम अकाउंट फास्ट एवर ग्रो इन सोशल मीडिया उनको बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ मिली है जहाँ uh, वो बेसिकली

दे व ऑल वन थर्ड ऑफ द स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ व्यूज कंपेयर टू अंकित भाई wow. उतनी ज्यादा है nice. uh, तो ऑल द बेस्ट बट कम बैक टू जोमैटो डिलीवरी पार्टनर्स कभी सोचा था कि इतने ज़्यादा लाइव इम्पैक्ट होंगे मेरे को ये जोमैटो डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में ज़्यादा जानना है mm -hmm. मतलब जब आप क्रिएट कर रहे थे इस पूरे प्लान को आई uh, रिमेंबर कि जब जोमैटो सिर्फ एक रिव्यू ऐप थी uh, तब मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था क्योंकि मुझे नाम चाहिए था आई स्टूड लाइक बीट लाइज यू थैंक यू पर बेसिकली आई रिमेम्बर यू गिविंग दिस इंटरव्यू आपने कहा कि यार एट समी विल टर्न इन टू अ डिलीवरी एप Uh -huh. तो कितना पहले आप सोचते हो वैसे दैट्स वन क्वेश्चन सेकंड इज आई एम जो की जब आपने सोचा था कि हाँ डिलीवरी आप बन जाएंगे तभी आपने डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में सोचा होगा यार डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में ना मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली स्विगी okay. ने पहले किया एंड कस्टमर लव फॉर स्विगी वॉज वेरी हाई कम्पेयर टू हमारा सर्विस सो वेयर इट वॉज ऑलमोस्ट ए फोर्स्ट हैंड फॉर अस कि ये करना है तो so, यार yeah. ओके डिलीवरी ऐप इसलिए बनानी थी ये फ्यूचर में क्योंकि 2005 में मैंने आउट ऑफ कॉलेज बनाई थी एक तो माय फर्स्ट स्टार्टअप वॉज ए फूड वाज ए लाइक फूड ऑर्डरिंग ऐप रियली या या ओके तो 2005 में एक्चुअली दै वाज माय थर्ड स्टार्टअप बट लाइक माय फर्स्ट सीरियस स्टार्टअप वाज फूड ऑर्डरिंग ऐप सो दैट डिडंट वर्क सो द जो रिव्यूज वाला सारा था मेन्यू स्कैन मेन्यूज और रिव्यूज़ वो उस स्टार्टअप का ट्रिम डाउन वर्जन था and then you went back to it had to because the whole goal was whenever the market is ready for it book cheese karenge pehle se goal tha matlab from 2008 dream मतलब thi and not too serious about these things like wo the theek hai karenge dekhenge so okay but agar ho gaya to chalega हो गया तो अच्छी बात है <laughs> और अगर uh, successfully uh, हो गया तो और भी अच्छी बात है okay. और अब कैसा लगता है डिटैच्ड कि हो गया अभी भी काम यार

जो लोग कहते हैं कि ऑल पब्लिसिटी इज इज गुड पब्लिसिटी आई आई डोंट बिलीव रियली? बताओ मतलब आई थिंक कर्मा इज कर्मा सो अगर आप मतलब खराब हरकतें करके अगर आप मार्केटिंग लोगे तो इट विल अप। सो आई मीन इट मार्केटिंग शुड ले गुड टेस्ट इन पीपल्स माउथ पॉजिटिव इमोशन के साथ एसोसिएट करना चाहिए आपको नेगेटिव इमोशन मार्केटिंग इज नॉट मार्केटिंग ओके

वी हैव टू मेकड़ी स्माइल जब भी हमारा कोई भी मार्केटिंग मैसेज कोई नोटिफिकेशन कोई इंस्टा पोस्ट कुछ भी देखे तो दे शुड बी लाइक पॉजिटिव एनर्जी हाँ स्माइल ऑन दर पीपल्स फेसेस, सो दैट बस उतना ही है बस इतना ही फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग हाँ तो आप ट्राई टू मेक पीपल एज मैनी पीपल एज पॉसिबल एज वेल बिकॉज यू कैन ऑल्सो नैरोन बहुत नैरो होके एक नॉन रेलिवेंट नोटिफिकेशन भी भेज सकते हो तो जेनरिक स्माइल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं ओके okay. uh, पर आप उस टीम के लिए हायर करते रहते हो टू ब्रिंग इन ह्यूमर टू ब्रिंग इन हाँ चलता रहता है okay. ओके वहाँ आप जेनजीज को हायर कर रहे हो आई करेक्ट करेक्ट जोमेटो की मार्केटिंग बदली है ओवर द इयर्स आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बदले हैं बट द टोनैलिटी वॉट ट्राइंग टू अचीव उसमें हम कंसिस्टेंसी अचीव करने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब पहले फेसबुक फिर हाँ, जो भी इंस्टा ट्विटर ओके अब क्या हॉट चीज़ क्या है अब अब हॉट चीज़ इंस्टा है और पुश नोटिकेशन पुश नोटिफिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हाई है हमारा तो और वो वायरल भी जाती है काफ़ी तो एंड दैट्स अ थॉट आउट प्रोसेस वो स्ट्रैटेजी है इट्स नॉट जस्ट कि तुक्का हो गया तुक्का ही हो गया <laughs> चल अगर तुक्का था चल गया तो स्टिक टू इट ओके जो जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स है आई एम टेलिंग यू बहुत सारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे यार जोमैटो डिलीवरी पार्टनर्स में बहुत सारा रेंज है So range of quality of work, of quality of people. So I mean largely I would say thank you and continue doing the good work. Hai, drive safe food, and take care of your health. Or exercise. <laughs> Don't break your backs. It's a hard job. So mm. please take care, please take care of yourself. Um, yeah.

खाना उठा के भाग जाएंगे कस्टमर का ठीक है? है हाँ कस्टमर को बोलेंगे सर आपकी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुई है वो आपको वापस आ जाएगा कैश दे दो मुझे सम रैंडम थिंग्स सो रियल देश भर होता है द बॉटम वन परसेंट से भी कम होता है दे आई डोंट ये मुंबई में कम होता है आई फील पर्सनली हम होने नहीं देते तो अगर होता है तो क्या होता है टर्मिनेट हो तो जाता राइडर तो अगर मैं ट्विटर पर कभी कोई भी ट्वीट करता हूँ या इंस्टा पर कुछ भी पोस्ट करता हूँ तो नीचे बहुत सारे जवाब आते हैं सर मेरा आई डी रीएक्टिवेट कर दो सी मेरा आई डी रीएक्टिवेट कर दो वो सब मतलब फ्रॉड में पकड़े हुए राइडर्स होंगे नाइन्टी एट परसेंट एक्ूरेट है दो परसेंट वी आर ऑल्सो एट फॉल्ट बाय बाय पुटिंग पीपल इन ए बॉक्स जहाँ पे होने नहीं चाहिए वो बट नाइन्टी एट परसेंट पीपल मैंने एंटिसपेट किया था कि ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे फूड डिलीवरी में मतलब डे डे वन वन से हो वन से हो हो रहे रहे थे थे तो, तो, तो यू <laughs> हाँ। मुंबई में भी मुंबई बैंगलोर में भी सब जगह होता है ओके उनकी मेंटालिटी क्या होती है पैसे बनाना है या तो खाना खाना है या बस मस्ती करनी है पता तो चलेगा नहीं किसी को ये तो ऐप है सो so जनरली नए नए वाले राइडर्स करते हैं एक तो न्यू राइडर्स बहुत सारे आते हैं मतलब महीने में बीस से तीस हज़ार लोग न्यू पीपल ज्वाइन तो उनमें से कुछ परसेंटेज छोटा सा उनको लगता है अरे ऐप है इनको क्या पता चलेगा अगर मैं ये चीज़ कर लूँगा बट वो पता चल जाता है हमें इवेंचुअली ओके एक बहुत सॉरी लैंग्वेज के थोड़ा सा छोटा सवाल है <laughs> ठीक है पर एग्जैक्टली exactly एक डिलीवरी से जोमेटो कैसे पैसे कमाता है तो कस्टमर uh, चार्जेस होते हैं कुछ कुछ और रेस्टोरेंट से भी कमीशन मिलती है बिकॉज रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर जनरेट हो रहा है जी और uh, तो मार्केटिंग फी होगी एक तरह से और हमने राइडर को भी पैसे देने हैं सो so, ये कुछ पैसा आ रहा है कुछ पैसा जा रहा है ओके द होल गोल की जो पैसा आ रहा है शुड बी मोर देन जो पैसा जा रहा है okay. <laughs> so, अगर एक कस्टमर ने सौ रुपीज स्पेंड किए हंड्रेड रुपीज स्पेंड किया जोमेटो पर खाने पे या चार्जेस पे डिलीवरी चार्जेस पे ओके okay, लेट्स से टू हंड्रेड रुपीज़ टोटल स्पेंड ऑफ कस्टमर दो सौ रुपए वाले ऑर्डर पे पैसा नहीं बनता हमारा ओके okay, हज़ार हजार पे डिसेंट बन जाता है कितना हज़ार तो एक्चुअली तीन सौ पे आते हैं एवरेज है तीन सौ तीन hmm. सौ से चार सौ की रेंज में एवरेजिज चलती हैं हमारी डिपेंडिंग ऑन द सिटी तो चार सौ की एवरेज मानते हैं चार सौ का अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू है तो कमीशन हमारी ब्लेंडेड कुछ अस्सी रुपये आ जाएगी ओके बीस परसेंट के आसपास कमीशन है ब्लेंडेड बीस okay. से भी कमी है थोड़ी सी सत्रह अठारह टाइप से होगी ऐसा कुछ होगा विद इन दैट रेंज तो अस्सी रुपये मान लेते हैं hmm. लगभग और कस्टमर डिलीवरी चार्जेस बीस से पच्चीस रुपये देगा करेक्ट तो सौ रुपये लगभग रेवन्यू आ गया और कुछ नहीं है और कॉस्ट uh, डिलीवरी की कॉस्ट साठ पचास सत्तर डिपेंडिंग ऑन द सिटी करेक्ट एंड डिस्टेंस अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा है डिस्टेंस कम है तो कॉस्ट कम है फिर कस्टमर सपोर्ट चार्जेस अगर आप चैट करते हो तो हमारा एजेंट है उसकी कॉस्ट ठीक है पेमेंट पेमेंट गेटवे फी अगर आपको खाना ख़राब लगा तो रिफंड करना पड़ता है ओके hmm. okay. um, आप इतने बड़े डिस्काउंट कैसे दे देते हो कभी कभी डिस्काउंट्स बहुत कम है यार पहले होते थे पहले भी कम ही होते थे ओके okay. लगता ज्यादा है ओके फिफ्टी परसेंट ऑफ अप टू एटी फिफ्टी परसेंट ऑफ थोड़ी है अस्सी रुपए ऑफ है चार सौ रुपए का ऑर्डर है बीस परसेंट <laughs> होगा ना नाइस आई वॉन्ट टू चेंज इट बट आई डोट कॉल दिस डिस्काउंटिंग ऑनेस्ट ओकेस्ट अगर कस्टमर को कुछ भी बता रहे हो इट शुड भी ऑनेस्ट भी बट कॉम्पिटिशन अगर ये करता रहेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये चेंज अच्छा क्योंकि आप इंटरनेट पर यह कह रहे हो ना बहुत सारे लोगों का ब्रांड ट्रस्ट बढ़ रहा है जोमैटो में बिकॉज दिन ओपनली आई यू अवेयर ऑफ देट आई डों आप बहुत ज्यादा अनप्रोसेस्ड हो मतलब आप बस कह देते हो तो so like like okay? uh, थोड़ा और ऑर्डर्स के बारे में बात करना चाहू तो देश भर अब स्केल पे जो बेसिकली रफली मेकिंग 80 टू हंड्रेड रुपीज ऑफ एन ऑर्डर से rider, निकल तो पांच दस रुपये से बनते हैं है, प्रॉफिट्स हाँ। पर पांच दस रुपए देश भर मतलब पाँच दस रुपए भी कहाँ बनते हैं उसके बाद फिक्स कॉस्ट आ जाती है सारी टीम सारा टेक सर्वर कॉस्ट ये वो नॉट इंकी सारी एक रुपया दो रुपये मुश्किल से बनता है बार वाह बट एट स्केल वो एक दो रुपए के कोर प्रॉफिट में से आप प्रॉफिटेबल कैसे बने हो ये एक दो रुपए बनने लग गए तो प्रॉफिटेबल हो गए रियली <laughs> really? क्योंकि स्केल इतना बड़ा है ऑर्डर्स इतने ज्यादा पहले अब कॉस्ट वॉज मोर देन रेवेन्यू जैसे ये बैलेंस टिप हुआ तो प्रॉफिटेबल हो गए ओके यही होती है लॉन्ग टर्म वी सी मनी की गेम लाइक टेकिंग वी सी मनी वी सी मनी पता नहीं मुझे देखो हमारे जैसे बिजनेस की ना फिक्सड कॉस्ट होती है जो काफ़ी हैवी होती है जी फिक्स इज जो इंजीनियरिंग टीम की कॉस्ट सारा प्रोडक्ट मैनेजर्स सारा ऑप्स टीम्स ब्ला, 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 ब्ला अब ये फिक्स कॉस्ट की टीम फिक्स फिक्स टीम की कॉस्ट विल बी द सेम चाहे मेरा बिजनेस वन थर्ड साइज़ का हो चाहे मेरा बिजनेस अभी टेन एक्स साइज़ का हो जाए ये तो सेम ही रहनी है ठीक है तो जब अब जब तो अब मैं कॉस्ट पर ऑर्डर देखूँ इस टीम की तो वो जब मेरे ऑर्डर्स बढ़ गए तो कॉस्ट पर ऑर्डर गिर जाएगी इस टीम की और ये हैवी कॉस्ट है ईजी mm. नहीं है तो अगर मैं टेन एक्स स्केल हो गया तो मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर कम हो गया तो अगर मैं कुछ ना और हिलाऊँ रेवेन्यू भी सेम रहे और मेरा बाकी सब कॉस्ट सेम रहे और मैं स्केल कर जाऊँ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी विच इज़ वाई एक्सपेंडिंग मोर कंट्रीज वगैरह वे नॉट एक्सपेंडिंग मोर कंट्रीज एक्सपैंड इंडिया ओनली बिजनेस पर आपने परचेस किए हैं बिजनेस पहले किए थे सब बंद हो गए कोविड में ओके हाउ डिड दैट फील बैड बैड कैसे डील करते हो कितना पैसा खर्चा खर्च किया उन पर मेंटल हेल्थ हो गया ना बी मतलब कॉन्ट लुक बैक सन कॉस्ट ओके कम कमिंग बैक टू इंडिया कमिंग बैक टू इंडिया जस्ट बाई बींग यूट्यूबर मैं सिर्फ कॉन्टेंट बना रहा हूँ ठीक है और मैं एक छोटा सा एक मेरा साइलो है ऑडियंस का इट्स अ बिग साइलो बट इट्स नॉट सो बिग इट्स 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 मे बी ट्वेंटी ट्वेंटी गुड केसार एज कम्पेयर टू बिलियंस ऑफ इंडियंस पर फिर भी आई फिल्क मुझे एक सैंपल साइज मिल चुकी है डेटा मिलती है हमें तो मैं थोड़ा सा फ्यूचर को देख पाता हूँ उस डेटा के थ्रू ओके डू यू फील द सेम वे अबाउट जोमैटो क्योंकि आप इतने सारे लोगों को सर्विस कर रहे हो भारत में भारत भर सिटीज के बारे में छोटे शहरों के बारे में कुछ पता चला हैनी yeah, so, इंडिया इज डेवलपिंग सुपरफास्ट तो एक्साइटेड हुई इंडिया के बारे में okay. मतलब like okay. काफी ज्यादा ओके ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंड दिस बिजनेस लाइक देर इज सो मच इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट अगर हंड्रेड परसेंट पॉइंट है तो आप कहा तक पहुंचे दस, दस तक पहुंचा हुआ इंडिया दस तक पहुंचाशियल इकोनॉमिक सुपर पॉवर इंडिया बनेगा यूएस केल सो आई कैन फील इट

यूज केस थोड़ा यूनिक है बिकॉज और कुछ स्पेंड करने को ज़्यादा है नहीं क्या तो मूवी की देखने कैसे जाओगे शॉपिंग मॉल्स नहीं हैं तो अगर पैसा है एंटरटेनमेंट कुछ चाहिए कुछ समथिंग न्यू इन इन योर लाइफ चाहिए तो रूटीन ब्रेक करनी है तो जोमेटो इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन अब एट दिस पॉइंट सप्टेम्बर ट्वेंटी चैलेंज क्या है जोमैटो का आई थिंक ग्रोथ एंड प्रॉफिट और डेट्स एक्सटर्नल एक तरह से और इंटरनली टीम क्वालिटी पे फोकस करते हैं और आई थिंक वो दैट्स माय बिग एरिया ऑफ वर्क नाउ एचआर एचआर करता हूँ मैं आजकल ज्यादा क्योंकि जिस स्केल पे आप काम कर रहे हो यू नीड टू केयर अबाउट कल्चर मच मोर देन आई मीन एज सेड राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस अगर हैं और वो राइट प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे हैं तो वी आर सॉट राइट सो आई हैव टू मेक श्योर की वी आर द राइट पीपल एंड दे देर बींग सो That's about it. ये आपके प्रीवियस बिजनेस फेजेस से इजी हो रहा है कि आप एच पर फोकस कर रहा हूँ आई थिंक ये फेज इन लाइफ है जहाँ मैं ये कर पा रहा हूँ तो आई डोंट नो whether this phase will last। आपके तीन चार बड़े मिस्टेक्स के बारे में बताइए शॉर्ट में नॉट स्पेसिफिक्स जस्ट जनरली लर्निंग फ्रॉम दोज मिस्टेक्स यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आई थिंक वन बिग थिंग है मेरे पास ती, तीन चार तो पता नहीं दो हज़ार पंद्रह तेरह चौदह में हमने ना इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत कर ली थी उस वक्त आई वॉज लाइक यार इंडिया स्मॉल इंडिया में मार्केट साइज नहीं है इंटरनेशनल जाते हैं शुड इंडिया। स्टेड इन इंडिया चिल मारना चाहिए था पावर फोकस हाँ यहाँ लर्निंग पावर फोकस है या लर्निंग है कि इंडिया पर करो? इंडिया पर फोकस करना चाहिए था एंड आई थिंक इवन राइट ना देर आर लॉर्ड ऑफ स्टार्टअप है कि यार इंटरनेशनल जा रहा हूँ मेरा एडवाइस होता है स्टे इन इंडिया चिल क्यों बिकॉज देखो एवरी मार्केट इज डिफरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी लाइक कंट्री द रेगुलेश पीपल दैट यू गोइंग टू वर्क विद कल्चर बदल जाएगा जिस कल्चर के आप, के साथ आप इंडिया में काम कर रहे हो वो कल्चर आपका मिडिल ईस्ट आपका यूरोप आपका यू एस में सेम नहीं होने वाला करेक्ट सो दैन इट बिकम्स हार्ड टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ऐसे मल्टीपल कंट्रीज में जाते हो कंप्लायंस लीगल बिल्स रेगुलेशन इज जस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लोग कहते हैं कि यार इंडिया का मार्केट साइज बड़ा नहीं है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ मैं कहता हूँ वो आज नहीं है दस साल बाद बहुत ज़्यादा होगा और मेरी तरह जैसे हमने सारे इंटरनेशनल मार्केट्स बंद किए तुम भी करोगे तो बिकॉज तुम कहोगे यार इंडिया मेरा नाइन्टी परसेंट ऑफ द बिजनेस बना हुआ बैठा है मैं दस परसेंट बिजनेस साइज के लिए मैं फिफ्टी परसेंट टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूँ hmm. बनता ही नहीं है करेक्ट hmm. तो वी शट डाउन इंटरनेशनल जब इंडिया वॉज हिटिंग नाइनटी थ्री परसेंट ऑफ अवर रेवेन्यू पर एफर्ट कितनी जाती थी उस सारे मतलब ऑस्ट्रेलिया का कंट्री मैनेजर किस मतलब फ़ोन पे बात करने का टाइम नहीं होता था हमारे पास उसके साथ <laughs> क्यों करें एक परसेंट हो आप तो देन इट वाज एक्चुअली प्रूडेंट टू एक्चुअली शटेड डाउन ओके बट एक्सपेंशन के पहले आपकी मेंटालिटी क्या थी ग्रोथ ग्रोथ चाहिए मारना था बॉल को हाँ मतलब okay. कोई तो बॉल होनी चाहिए ना मारना ओके <laughs> <को. laughs> okay. अगर आज आ, आप 22 साल के होते एंड यू नो इन योर हार्ट के आपको स्टार्टअप्स में एंटर करना है फिर से जोमेटो तो स्टाइल कुछ ऐसे करते इट्स बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल सवाल है पर इफ यू आर यंग ऑनडर टुडे किस तरह का बिजनेस आप करते हैं भारत में आई मैन मतलब एंड डजेंट मैटर अगर मैं बाइस का हूँ या कुछ भी हूँ बट लाइक अगर मेरे पास ऐसा कुछ ब्रिलियंट क्रैक ऑफ एन आइडिया होता तो मैं आज भी उसको जोमैटो के अंदर चेज कर ही रहा होता था ओके तो, <laughs> <laughs> okay. uh, अगर किसी ने आज आपसे सब कुछ छीन लिया एंड mm लेफ्ट -hmm. mm -hmm. फिर क्या करते हैं How would you learn? Wander? Travel? No, wander. Mentally. अभी करते हो ऐसा? मेंटल वॉन्डिंग कैसे रीड रीडिंग इज माई थिंग क्या पढ़ता हूँ रैंडम बुक्स ओके रील हाँ अबाउट केमिस्ट्री फिजिक्स बायोटेक सब कुछ करता हूँ मैं क्यों ऐसे ही हाँ दिमाग को एक्सरसाइज करने के लिए सबसे फाड़ू बुक कौन सी पढ़ी है आई आई डोंट ऐसे कुछ नहीं होता सबसे इम्पैक्टफुल बुक कौन सी थी सबसे इम्पैक्टफुल बुक कौन सी बढ़िया इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए पर मेरे पास है नहीं ओके वॉट्स द बुक यू गिफ्ट द मोस्ट आजकल तो कल्चर करता हूँ आपके बुक के अलावा आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली इज माई मोस्ट गिफ्टेड गिफ्टेड बुक आउटसाइड ऑफ दैट फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बेस्ड आई एम अज्यूमिंग ह्यूमन बाइस इज हाउ टू टू रीड योर ओन माइंड बताइए थोड़ा आई मीन आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियर इट्स इट्स वेरी लाइक लॉट ऑफ लाइक वॉसेज हम रैशनल नहीं होते हैं इमोशनल स्टूपेड कॉल्स लेते हैं बहुत सारी और उसके ह्यूरिस्टिक्स हैं उसमें बहुत सारे आई थिंक सत्तर अस्सी सौ होंगे उसमें सो इफ यू कैन इंटरनलाइज दैम यू टेक बेटर कॉल्स डिसीजन्स तो केमिस्ट्री की बुक्स क्यों पढ़ते हो आप यार आई थिंक सब कुछ

आपको और जोमैटो डिलीवरी पार्टनर्स तक पहुंचे थैंक यू सर थैंक यू सो मच अप्रिशिएट योर टाइम थैंक यू तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड मुझे बिज़नेस कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे लगते हैं पर हम बहुत कम बिजनेस कॉन्वर्सेशन करते हैं क्योंकि ऑनेस्ट टू गॉड व्यूज़ नहीं मिलते बिजनेस कॉन्वर्सेशन पर तो आप बताइए कि बिज़नेस परस्पेक्टिव से आप और कौन से बिज़नेस के लेजेंड्स को देखना चाहोगे टीआरएस पर गेस्ट रिकमेंडेशन भेजिए और टीआरएस को फॉलो करते रहिए